जो भी आज साथी का सादा दिवस है, शहीद को नमन करना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मंगल पांडे जी का सादा दिवस है और प्रत्येक वर्ष 8 अप्रैल को हम लोग स्मारक समिति के माध्यम से मनाते हैं, लेकिन जिस तरीका से विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते जो उत्सव धर्म हम लोग यहाँ के लोग हैं, हमेशा जो है जनमेला लगाया जाता था शहादत दिवस पर, आज वो नहीं हो रहा है, कोविड को ध्यान में स्थगित किया जाता है, लेकिन फिर भी मंगल पांडे जी की प्रेरणा, मंगल पांडे जी की कुर्बानी और कुर्बानी के बदौलत जो आज़ादी मिली है उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के एक एक नौजवान तत्पर रहते हैं और उनकी प्रेरणा की वजह से हम लोग देश और समाज के लिए आगे आने का काम करते हैं। बलिया जनपद में उनकी जन्मभूमि है, जैसा इतिहास बताता है यहाँ के जन्मे, क्या आपको लगता है कि बलिया में उनके नाम से बहुत चीज़ें प्राचीन, जैसे पुल या हॉस्पिटल या कोई बड़ा चीज़ उनके नाम से है या नहीं? मंगल पांडे की जो कुर्बानी हुई थी कुछ इतिहासकारों के चलते वो पोंगा पंडित के रूप में उनको चिन्हित किया गया था, लेकिन जब भारत के नौजवान जब इस बात की 1857 की क्रांति की बात उठी तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारबंद जो है साबित मंगल पांडे के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी के लिए, और उस आज़ादी के पृष्ठभूमि में जो सरकारें आई हैं वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बाकी किसी सरकार ने मंगल पांडे के नाम पर कुछ भी करने से परहेज किया है। क्या समाजवादी सरकार ने क्या किया है? मंगल पांडे की स्मारक महिला विद्यालय बनवाया, मंगल पांडे स्मारक पार्क बनवाया, मंगल पांडे यहाँ कदम चौराहे पर पार्क बनवाया, मंगल पांडे इंटर कॉलेज बनवाया, मंगल पांडे के मूर्ति का अनावरण मुलायम सिंह यादव ने किया। तो आवश्यकता क्या है, क्या मंगल पांडे के नाम पे आवश्यकता क्या? अभी बहुत उनकी स्मृति में काम करना है, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम मंगल पांडे के नाम पर हम लोग रखने की मांग किए थे, मंगल पांडे के नाम पर बहुत बड़ा जो ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम लोग कहे थे कि उनकी स्मृतियों को लोग जाने, जन जन तक इनकी कुर्बानी के बदौलत बलिया का नाम रोशन हुआ है। क्या मेडिकल कॉलेज वगैरह के कैंप के बारे में नहीं बना है? मांग किया हम लोग, हमारे समिति के तरफ से पत्र गया है भारत सरकार को, उसका विचार नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आपको? बस सिर्फ जो है मंगल पांडे के नाम को भुनाना चाहते हैं और हिंदुत्व के नाम पर जो है वो मंगल पांडे बलिया की माटी को ठगने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।